दोस्तों आखिर सुबह ही सुबह अब बिग बॉस 17 की घर की कंटेस्टेंट अंकिता लोखंडे ने क्या यहां पर घर की कैप्टन घर की सदस्य और अपनी दोस्त ईशा मालवीय के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आखिर ऐश्वर्या शर्मा के आखिर जो यहां पर ईशा मालवीय है उसका मुंह अंकिता लोखंडे के सामने पूरा का पूरा शर्म से लाल क्यों हो गया? आखिर उसकी आंखों में आंसू क्यों गए? आखिर ऐसा क्या किया है ईशा मालवीय ने जिसकी वजह से यहां पर आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे ने बिग बॉस के सामने और सभी कंटेस्टेंट के सामने ईशा मालवीय को दिखा दी है उसकी औकात। चलिए पूरी पूरी जानकारी देते हैं आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और नई से नई और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, तो सर सर आपको बता दें कि बिग बॉस 17 के घर में इस वक्त जो कैप्टन है वो है ईशा मालवीय, और ईशा मालवीय ने ही बिग बॉस 17 के घर की कंटेस्टेंट ऐश्वर्या शर्मा को हाल ही में घर से बेघर कर दिया। और ईशा मालवीय ने ऐश्वर्या शर्मा को घर से इसलिए बेघर किया है क्योंकि ईशा मालवीय ने सीधे सीधे बिग बॉस के पास जाकर ये कहा कि बिग बॉस मैं ऐश्वर्या शर्मा को घर से बाहर इसलिए निकालना चाहती हूँ क्योंकि उसने अब तक सबसे ज्यादा रूल तोड़े हैं। वो हमेशा घर में सोती हुई दिखाई दी है और साथ साथ उसने कई सारे रूल भी तोड़े हैं। लेकिन अब हम आपको ये बता दें कि सुबह ही सुबह अंकिता लोखंडे जैसे ही ईशा मालवीय के कमरे में गई तो ईशा मालवीय यहाँ पर अंदर अपने कमरे में सो रही थी, और अंकिता लोखंडे ने जैसे ही देखा तो ये कहा ईशा मालवीय को ऐश्वर्या शर्मा ने कि तुम घर की कैप्टन हो और तुम ही रूल तोड़ रही हो तो फिर बाकी कंटेस्टेंट हैं वो क्या करेंगे? तुमने ऐश्वर्या शर्मा को भी घर से बाहर निकाला था और तुमने ये कहा था कि इसने घर के रूल तोड़े हैं, तो मैं तुमसे ही कहना चाहती हूँ कि अब ईशा मालवीय तुम्हारा क्या करना चाहिए। और जैसे ही अंकिता लोखंडे ने ये सब कहा तो ईशा मालवीय का यहाँ पर पूरा का पूरा शर्म से मुंह लाल हो गया, और ईशा मालवीय के मुंह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने ईशा मालवीय के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वेल आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।